सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कलम पढ़ रहे थे कि सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ त्रिगुण ना हो। पूरी सृष्टि में ही त्रिगुण व्याप्त हैं और उस त्रिगुण के कारण उसमें तीनों में से किसी एक की प्रधानता तो होती है स्थान विशेष में, कहीं सत्व की प्रधानता, कहीं रजोगुण की, कहीं तमोगुण की, भिन्न भिन्न जाति विशेष में। लेकिन जब तक ये त्रिगुण रहेगा तब तक दुख भी साथ जुड़ा रहेगा, ये बताया था कल। तत्र जन्म मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः। ये जो चेतन पुरुष है ये त्रिगुण के कारण जन्म मरण से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं उनको प्राप्त करता ही रहता है। और कब तक करता रहेगा? लिंगस्य आविनिवृत्ते ही, जब तक कि सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति नहीं हो जाएगी। और सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति कब होगी? जब धर्माधर्म रूपी संस्कारों की निवृत्ति होगी, क्योंकि ये पीछे बता दिया जब तक भाव बना रहेगा, भाव सर्ग धर्माधर्म रूपी संस्कार रहेंगे तब तक लिंग शरीर भी बना रहेगा। तो लिंग शरीर की विशेष रूप से आ वी निवृत्ते, दो उपसर्ग लगाई आ वी, तो आ का मतलब होता है सब तरफ से, वी का मतलब विशेष रूप से। जब तक विशेष रूप से इसकी निवृत्ति ना हो जाए, क्योंकि सामान्य रूप से निवृत्ति तो प्रलय अवस्था में भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही सृष्टि की रचना होगी फिर से लिंग शरीर मिल जाएगा, सूक्ष्म शरीर मिल जाएगा। तो विशेष निवृत्ति तो हो सकती है जब हम धर्माधर्म रूपी कर्माशय का ही नाश कर दें। तो धर्माधर्म रूपी कर्माशय का नाश कैसे करें? काम करते समय ही पूरा आनंद ले लें, इस कर्म का प्रतिफल सुखदायी होगा या दुखदायी होगा इसको एक तरफ हटा दें, बस काम करते समय उसका पूरा रस ले लें। ये तो हमारे हाथ में ही है ना, क्योंकि रसो वही सह उपनिषद में कह दिया। इसलिए जो भी काम करें उसको कैसे करें? पूरा रस लेते हुए, पूरा आनंद लेते हुए, चाहे वो खेत का काम है, चाहे वो कक्षा का काम है, चाहे परीक्षा का काम है, चाहे व्यायाम प्राणायाम ध्यान यज्ञ आदि का कोई भी काम है, उस काम को करते करते ही पूरा आनंद लेना, पूरा रस लेना, पूरा तृप्त होना। आगे के लिए पेंडिंग छोड़ना ही नहीं है बस। तो जब हमारी आसक्ति ही नहीं होगी, क्योंकि हमारा क्या होता है, आधा ध्यान कर्म करने पे होता है, आधा ध्यान उसके फल की प्राप्ति पे होता है। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आधा ध्यान पढ़ाई पे है, आधा ध्यान नंबर कितने आएंगे उसके ऊपर है, उसके छोड़ो चिंता ही। आप पूरा का पूरा आनंद पढ़ते समय ले लो, फिर उसके बाद जो मार्क्स आएंगे परीक्षा में, जो पोजीशन आएगी वो तो बोनस है फिर। तो आपकी आसक्ति नहीं रहेगी उसमें, आसक्ति नहीं रहेगी तो उसका धर्मा धर्म रूपी संस्कार नहीं बनेगा। तो इन्हीं कर्मों को फिर दिव्य कर्म या निष्काम कर्म कह देते हैं। निष्काम कर्म जब हमसे होने लगेंगे
तो फिर आगे के लिए संस्कार बनेंगे नहीं। जब संस्कार ही नहीं बनेंगे, धर्मा धर्म रूपी संस्कार ही नहीं बनेंगे, तो हमारा सूक्ष्म शरीर फिर निवृत्त हो जाएगा विशेष रूप से, उसकी जरूरत ही नहीं है फिर। तो इसकी प्रैक्टिस, इसका अभ्यास तो हमें ही करना है, हमारे लिए ये काम कोई दूसरा नहीं करेगा। और निष्काम भाव से कर्म करने के लिए उससे पहले फिर व्यक्ति को ईमानदारी से और तत्परता से, कोई दूसरा नहीं बताएगा, अपनी तत्परता होनी चाहिए, अष्टांग योग का पालन करके वो योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। वो योग्यता प्राप्त करने के लिए दिन भर के सब कर्मों में अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको किसी को 4 महीना, 6 महीना, 1 साल वो तत्परता से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का। और फिर वो शक्ति तो बढ़ती जाती है ना, आज जितनी शक्ति, आज आपने जितने तत्परता से जागरूकता से काम किया, तो कल आप ज्यादा जागरूकता से कर पाओगे, क्योंकि आज वाली शक्ति भी कल ऐड हो जाएगी, और परसों और अच्छे से कर पाओगे, बढ़ती जाएगी फिर आपकी ताकत। और यदि आपने आज लापरवाही की, तो फिर कल आप और ज्यादा लापरवाही करेंगे, फिर जीवन नीचे जाता चला जाएगा। इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है। अगर हम, हमारे जीवन में तत्परता नहीं है, तो फिर, और हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारे से ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति है नहीं धरती पे। क्योंकि जो शब्दों को नहीं जानते हैं, वो भी अनजाने में भी अच्छा जीवन जी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये है कि हम कुछ जानते तो हैं नहीं, हम ज्ञानी तो हैं नहीं, तो कम से कम हम कर्म ही कर लें। और इस व्यक्ति को भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं ज्ञानी हूं। इसलिए ये शब्द बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं, अहंकार को बढ़ा देंगे फिर ये, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा जीवन का, और बहुत बड़ा लाभ भी कर सकते हैं, इधर पढ़ा उधर प्रैक्टिस की। तो ये जो निष्काम कर्म जब हमसे होने लगेंगे, वो जो हमारी योग्यता बन जाएगी, पात्रता बन जाएगी, और चीजें कोई आ भी गई पुराने संस्कारों से, यदि आ भी गई, तो उसको तुरंत हटा देंगे हम, हमारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी फिर, और नहीं तो फिर उलझते रहेंगे। व्यक्ति में जब ताकत नहीं होती है ना, उसके अंदर आध्यात्मिक पावर नहीं होती है, तो वो व्यक्ति का क्या करता है फिर वो छोटे छोटे काम करता है। छोटे छोटे काम मतलब इसकी चुगली उसके आगे की, उसकी बुराई उसके आगे की, उसकी निंदा उसके आगे की, आज का दिन भी बर्बाद कर दिया। इससे तुझे क्या मिलेगा? तूने आज की शक्ति, आज का समय बर्बाद। कोई छिपके सो जाएगा, कोई मोबाइल पे न देखने योग्य चीजें देखेगा, कोई गपशप करेगा बैठ के। ये जागना पड़ेगा, अपनी तत्परता खुद लानी पड़ेगी, नहीं तो बैठे बैठे आदमी के दिमाग में खुरापात सूझते रहते हैं। आज वहां चलते हैं, आज ये करते हैं, उसका परिणाम क्या होगा वो तो देखो ना। अब वो आपके ऊपर आने वाला है, जिनके साथ बैठ के गपशप मार रहे हो ना, वो सारे हट जाएंगे, ये भुगतना आपको पड़ेगा। जिनके साथ बैठ के निंदा चुगली कर रहे हो ना, ये आपको ही भुगतना पड़ेगा। ऊपर बढ़ा हुआ वजन पैरों पे ही आता है, अपने पैरों को उठाना पड़ता है, फिर पैर जवाब दे देते हैं ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसे दिमाग भी जवाब दे देता है। तो व्यक्ति जितना ज्यादा लापरवाह होगा, तो वो सारा वजन किस पे आएगा? अपनी ही बुद्धि पे, अपने ही चित्त पे, अपने ही अंतःकरण और बाह्य करणों पे आने वाला है। तो इसलिए इन्होंने कहा लिंगस्य आविनिवृत्ते है। ये दुख कब तक मिलते रहेंगे? जब तक लिंग शरीर की विशेष रूप से निवृत्ति ना हो जाए। विशेष रूप से निवृत्ति होने के लिए आप चिंता मत करो, कब होगी, कैसे होगी, आप आज जो कर सकते हो वो आप करो। और आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं, आप जो भी कर्म करें उसमें आपका या किसी दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए, और वो काम करते हुए आपको पूर्ण आनंद आना चाहिए, बस बहुत है इतना ही, इतना कर लो। कोई टाइम खराब नहीं होना चाहिए,
कोई काम वाणी से या मन से, विचार से या शरीर से ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे का अहित होगा, बुरा होगा, ऐसा नहीं करना आपको। और कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसको करते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा, आनंद नहीं आ रहा है। इतना तो हम कर सकते हैं, करना ही चाहिए। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मनुष्य शरीर का अपमान है ये फिर। और फिर ये इस वैदिक परंपरा के शास्त्र आदि पढ़ने का भी फिर अपमान है, इतना भी यदि नहीं किया तो। तरीका इसका यही है, लिंगस्य आविनिवृत्ते तस्मात् दुःखं स्वभावेन। यदि ये पुरुषार्थ नहीं किया तो ये दुख पाना आपके लिए क्या हो जाएगा, स्वाभाविक, फिर उसको हटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ कारिका में जो तत्र कहा, तो तत्र का मतलब है तेषु देव मानुष तिर्यक योनिषु, जिनका पीछे जिक्र किया ना, तो उन तीनों योनियों में, देव मानुष तिर्यक योनियों में जराकृतम मरणकृतम च एव दुःखम चेतनः, चैतन्यवान पुरुषः दुःखम प्राप्नोति। ये दुख किसको मिलते हैं फिर, चेतन पुरुष को। न प्रधानम न बुद्धि न अहंकार न तन्मात्राणि इंद्रियाणि महाभूतानि च, प्रकृति के ये जो है ना, इनको किसी को नहीं मिलेंगे दुख, मन बुद्धि इंद्रिय महाभूत, क्योंकि ये तो जड़ हैं। और सुख दुख की अनुभूति करना चेतन का धर्म है, तो ये दुख किसको मिलते रहेंगे, चेतन को मिलते रहेंगे। कियंत कालम, कियंतम कालम पुरुष दुखम प्राप्नोति थी, कब तक मिलते रहेंगे। तद तद विविनक्ति, विशेष रूप से जब से, जब तक उससे हट नहीं जाएगा। विविनक्ति लिंगस्य आविनिवृत्ते इति, लिंग शरीर की जब जब तक विशेष रूप से निवृत्ति ना हो जाए, अर्थात मोक्ष पर्यंत। और मोक्ष के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसी जीवन में इसी शरीर में रहते रहते मोक्ष हो सकता है, इसी शरीर में रहते रहते ही होता है, उसके बाद भी हो जाएगा, लेकिन जब भी प्राप्ति होगी, शुरुआत होगी, वो कब होगी, मनुष्य शरीर में रहते हुए। देव शरीर में भी नहीं होगी, पशु शरीर में भी नहीं होगी, क्योंकि वो भोग योनियां हैं। मुक्ति जब भी मिलेगी, मोक्ष जब भी आत्मा प्राप्त करेगा, तो वो कब होगा, मनुष्य शरीर में रहते हुए, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं। और वो कोई ऐसी, कोई दूसरे लोक की या कुछ दूसरे लोगों के लिए है, ये ऐसी स्थिति नहीं है, हर व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है, हर व्यक्ति में है वो योग्यता, बाकी की योग्यता हर व्यक्ति में नहीं है। डॉक्टर हर व्यक्ति नहीं बन सकता है, धनवान हर व्यक्ति नहीं बन सकता है, गायक हर व्यक्ति नहीं बन सकता है, कोई विशेष खेल का खिलाड़ी हर व्यक्ति नहीं बन सकता है, लेकिन मुक्त हर व्यक्ति हो सकता है, ये योग्यता सब में है, क्योंकि स्वरूप वही है उसका। ये केवल माना हुआ अज्ञान के कारण आवरण है, उसको कभी भी व्यक्ति हटा सकता है। यत तन महदादि लिंग शरीरेण आविश्य तत्र व्यक्ति भवति तद यावन न निवर्तते संसार शरीरम इति। कह रहे हैं जब तक यत तन महदादि लिंग शरीरेण आविश्य, जब तक ये सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके तत्र व्यक्ति भवति, उन उन शरीरों में अभिव्यक्त होता रहेगा, ये चेतन आत्मा जब तक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके इन रूपों में अभिव्यक्त होता रहेगा, देव मनुष्य और तिर्यक योनि में, तद तद यावन न निवर्तते, तब तक ये शरीर से, ये दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। तद यावन न निवर्तते संसार शरीरम इति, ये संसार शरीर तब तक इसका चलता ही रहेगा। तावत संक्षेपेण त्रिषु स्थानेषु पुरुषो, ये पुरु वो कर रखा है ना, वह कुछ है कर लेना। तावत संक्षेपेण त्रिषु स्थानेषु पुरुषो जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति। तो तब तक तो संक्षेप में बात ये है कि त्रिषु स्थानेषु, तीनों स्थानों में, पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक, तीनों में ही ये पुरुष, पुरुष मतलब चेतन, यहाँ पे
ये जो चेतन है ये जरा मरण कृत दुख प्राप्त करता ही रहेगा। लिंगस्य आवि निवृत्ते, कहीं भी चला जाए चाहिए तो ये दुख इसके साथ ही लगे रहेंगे। लिंगस्य आवि निवृत्ते, जब तक लिंगस्य भी निवृत्ति न भवति, लिंगस्य भी निवृत्ति यावत्, लिंग निवृत्तौ मोक्षो। और जैसे ही लिंग शरीर की, सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति हो गई, इसी का नाम ही मोक्ष है। नए संस्कार बनने बंद हो गए, उसी का नाम ही मोक्ष है। तो इसकी तो फिर प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी ना। लिंग निवृत्तौ मोक्षो, मोक्ष प्राप्तौ नास्ति दुःखम्। और मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो कोई दुख नहीं है फिर जीवन में। तो दुख मुक्त जीवन जीना ये अपने ही हाथ में है, और उसका अभ्यास किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। लिंग निवृत्तौ मोक्षो, मोक्ष प्राप्तौ नास्ति दुःखम्। तत्पुनः केन निवर्तते, तो कह रहे हैं फिर वो लिंग शरीर कैसे निवृत्त होगा ये बताओ, कौन सा उपाय है, उसी को निवृत्त करते हैं पहले। यदा पंचविंशति तत्व ज्ञानम स्यात्, जब इन 25 का तत्व ज्ञान हो जाएगा। अभी तो तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए इस शरीर को सुख देने के लिए आत्मा को दुख दे देते हैं। जब आलू के खेत में नहीं जाते हैं तो शरीर को सुख मिलता है, लेकिन आत्मा को आलस से, प्रमाद के संस्कार बनने से और ग्लानि के संस्कार बनने से दुख मिलता है। तो ये हमें, इनका हमें तत्व ज्ञान नहीं है कि मैं किसकी भलाई के लिए किसका नुकसान कर रहा हूं। इसको आप कितना भी संभाल के रखो शरीर को, इसको एक दिन धोखा देना ही है, ये मरना ही है, मरण धर्म है ये। आप इसको कितना भी खिला पिला के, बचा बचा के, कमरे में रख रख के, कितना भी इसको आप सुरक्षित रखें, लेकिन तो भी इसको नष्ट होना ही है। और बल्कि सुरक्षित रखने में तो और जल्दी नष्ट होने की संभावना है, रोगी हो जाएगा फिर, मन भी रोगी हो जाएगा, शरीर भी रोगी हो जाएगा फिर। और सेवा पुरुषार्थ करने में संभावनाएं सुख देने की ज्यादा हैं, क्योंकि मन भी स्वस्थ रहता है, तन भी स्वस्थ रहता है सेवा करने से। दूसरों को सुख देने से फिर सुख मिलता है ना, तो इनडायरेक्ट रूप से अपने को ही सुख मिलता है, आत्मा को ही सुख मिलता है। तो ये क्या है कह रहे हैं, इसका उपाय क्या है वो बताओ। उपाय ये है कि इन 25 का तत्व ज्ञान होना, प्रकृति को प्रकृति के रूप में देखें, पुरुष को पुरुष के रूप में देखें। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति लक्षणम, और उसका लक्षण क्या है, विवेक। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति विवेक लक्षणम, ये विवेक का लक्षण है। जब हम सत्व को अलग जानते हैं, पुरुष को अलग जानते हैं, इनकी अन्यथा ख्याति, अन्यथा ख्याति माने दोनों के अलगाव का ज्ञान होना। प्रकृति अलग है, जड़ अलग है, चेतन अलग है, मैं आत्मा चेतन अलग हूँ, शरीर इंद्रिय आदि जड़ प्रकृति अलग है, ये जो विवेक होगा तो फिर ये अलग अलग दिखाई देंगे, यही इनका तत्व ज्ञान है। इदम प्रधानम, इयम बुद्धि, अयम अहंकार है, इमानी पंच तन्मात्राणि, एकादश इंद्रियाणि, पंच महाभूतानि, एभ्यो अन्यः पुरुषः। और मैं इन सब से अलग चेतन पुरुष हूँ, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा अहंकार है, ये मेरी पंच तन्मात्राएं अर्थात सूक्ष्म शरीर है, ये 11 इंद्रियां हैं, ये 5 महाभूत हैं, और मैं इन सब से अलग पुरुष हूं। विसदृश, मैं इनके समान नहीं हूं बल्कि इनसे विशेष हूं। विसदृश इत्येवं ज्ञानात्, ये ज्ञान होने से लिंग विनिवृत्ति ही, सूक्ष्म शरीर की विनिवृत्ति हो जाती है। अर्थात ये जानने से फिर धर्मा धर्म के संस्कार नहीं बनेंगे। ततः मोक्ष इति, फिर मोक्ष होता है, और मोक्ष ही क्या है, दुख का अंत। तो कह रहे हैं कि ये भगवान ने बना के इसलिए दिए थे, हम भूल गए, लेकिन शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये सारी सृष्टि, मनुष्य का शरीर दिया ही इसलिए था
इनके माध्यम से तू मुक्त हो जाना। हमने उसका प्रयोग किया नहीं। इत्तेश प्रकृति कृतौ महदादि विशेष भूत पर्यंतः प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थम इव परार्थ आरंभः इति एष प्रकृति कृतौ। तो ये जो 24 उत्पाद हैं मूल प्रकृति के, जो पीछे बताए महतत्व से अहंकार से लेके एकादश इंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, पांच भूत, ये क्या है? प्रकृति कृतौ, प्रकृति कृत हैं, प्रकृति के द्वारा किया गया है ये सारा विस्तार। उसमें क्या क्या है? महदादि विशेष भूत पर्यंतम, महद आदि, महतत्व तो आदि में है और विशेष भूत अंत में है, विशेष भूत पर्यंत, अर्थात ये 24 तत्व, ये सब किसके लिए है? प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, प्रत्येक चेतन आत्मा को मुक्त कराने के लिए ही इस सृष्टि की रचना हुई है, शरीर की भी और दूसरे शरीरों की भी, सारी सृष्टि की भी, जड़ चेतन सृष्टि की रचना किसके लिए है? प्रति पुरुष विमोक्षार्थम। तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये मुझे जो शरीर मिला, ये वाला शरीर और ये सारी सृष्टि भगवान ने किसके लिए बनाई? मेरे मोक्ष के लिए। यहाँ पर प्रति पुरुष कहा, तो प्रति पुरुष में मैं भी हूं ना एक, तो स्पेशल मेरे लिए भी ये इतनी सारी व्यवस्था की है ईश्वर ने। अब बोलो, जिसने हमारे लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं कर दी, हमारा ध्यान ही नहीं है हमारे लिए किसी ने कितना बड़ा उपकार किया है। प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, और ये काम कैसे करती है? स्वार्थ इव परार्थ आरंभ, जैसे कोई अपने लिए करता है ना, वैसे ये प्रकृति परार्थ करती है। परार्थ माने मुझ चेतन आत्मा के लिए, शरीर इंद्रिय बुद्धि और ये सारी सृष्टि, ये हवाएं, ये सूर्य चंद्र अग्नि जल पृथ्वी सारे भूत, ये कैसे काम करते हैं? ऐसे करते हैं जैसे तो कोई अपने लिए भी नहीं करता इतनी ज्यादा तत्परता से, ये हमारे लिए करते हैं। सूर्य कोई अपने लिए थोड़ी ना चमकता है, लेकिन तो भी कभी छुट्टी नहीं करता है। देखो कितना पंक्चुअल है अपनी ड्यूटी के ऊपर, कितना रूटीन से काम करता है। इतना तो कोई स्वार्थ के लिए, अपने लिए भी नहीं करता है जितना कि ये प्रकृति परार्थ कर रही है। पृथ्वी कब से सेवा कर रही है हमारी? जब से सृष्टि बनी तब से। तो पृथ्वी में जो भी अन्न रस जल फूल फल शाक सब्जियां जो भी उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी थोड़ी खाती है उनको, कौन खाते हैं? हम सब खाते हैं, हम प्राणी खाते हैं उनको। तो हमारे लिए वो कितने रेगुलर है, जो भी बीज बोया उसको उसने हजारों गुणा करके लौटाया। अपने इस नियम में कितने रेगुलर है, एक बार भी मतलब कोई गलती नहीं करती है। तो ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति हमारे लिए कैसे काम करती है? स्वार्थ इव, स्वार्थ जैसे कोई अपने लिए कर रहा हो, लेकिन करती है कैसे? परार्थ। स्वार्थ इव परार्थ आरंभ इति एष प्रकृति कृतौ महदादि विशेष भूत पर्यंतः प्रति पुरुष विमोक्षार्थम। कब तक सेवा देती रहेगी ये अपनी? जब तक कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष को प्राप्त ना कर ले तब तक। कितना धैर्य है देखो, क्योंकि कुछ आत्माओं के तो अभी कान पे जूं नहीं रेंगती है कि कभी ना कभी मुक्त भी होना है। ये तो कुछ आ गए गिने चुने, और गिने चुने आ गए उनमें से भी कुछ आकर के सो गए यहाँ पे, और कुछ तो इतने भी तो महान है कि जो बाहर क्या क्या पाप कर्म कर रहे हैं, तो उनको तो होश ही नहीं कि कभी आना पड़ेगा। जो जितने भी पाप कर्म कर रहे हैं उनको भी तो कभी ना कभी मुक्त होना ही पड़ेगा ना। तो तब तक ये सेवा देती रहेगी, ये प्रकृति का धैर्य है। प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। प्रकृते हे किम निमित्त आरंभ इति उच्यते, किस निमित्त से इसका प्रारंभ किया? परिसमाप्त निर्देशी च प्रकृति कृतौ, प्रकृति करणे, प्रकृति करने माने प्रकृति के द्वारा की गई।
प्रकृति विक्रियायाम, प्रकृति की जो विशेष क्रिया में अर्थात जो विकृति हुई अर्थात सर्ग रूप में, सर्ग रूप क्रिया में यह आरंभ जो आरंभ हुआ मैदादि विशेष भूत पर्यंत, मैद से लेकर के भूत पर्यंत। प्रकृतिर महान मैं तो अहंकार है तस्मात् तन्मात्राणि एकादश इंद्रियाणि तन्मात्रेभ्य पंचभूतानि। ये प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, ये प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए है। पुरुषम प्रति, पुरुष के प्रति माने देव मनुष्य त्रियक भावम गतानाम विमोक्षार्थम आरंभ, तीनों ही प्रकार की जो योनियां हैं उनको मोक्ष दिलाने के लिए, केवल मनुष्य नहीं उनके भी पाप या पुण्य कर्म लेस होते जा रहे हैं तो एक तरह से वो भी उधर ही बढ़ रहे हैं मोक्ष की तरफ ही। और कथम कैसे काम कर रही है, स्वार्थ इव परार्थ आरभ्य, यदा कश्चित स्वार्थम त्यक्त्वा मित्र कार्याणि करोति, जैसे कोई अपने स्वार्थ को छोड़ के अपने मित्र के लिए काम करता है, एवं प्रधानम, ऐसे ये प्रधान प्रकृति कार्य करती है। पुरुषो अत्र प्रधानस्य न किंचित प्रत्युपकारम करो, ये जो पुरुष है ये इस प्रधान का कोई प्रत्युपकार नहीं करता है, ये तो स्वार्थी है। न च स्वार्थ परार्थ एव, लेकिन ये प्रकृति स्वार्थी नहीं है ये परार्थ ही है। तो शब्दादि विषय उपलब्धि ही गुण पुरुषांतरोपलब्धिश्च, ये इसका प्रयोजन क्या है, अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन ये है कि जो शब्दादि विषयों की उपलब्धि है माने भोग, भोग करवाना, और गुण पुरुष अंतर उपलब्धि, पुरुष और गुणों के अंतर की उपलब्धि करवाना अर्थात अपवर्ग, अपवर्ग को प्राप्त कराना और भोग प्राप्त करवाना, ये इसका प्रयोजन है। त्रिषु लोकेषु शब्दादि विषयी पुरुषा योजयितव्या, इसका प्रयोजन है तीनों लोकों में शब्दादि जो विषय हैं इनसे इन पुरुषों को मुझे जोड़ना है माने इनको भोग दिलवाना है। अंते च मोक्षेण इति, और उसके बाद मोक्ष के साथ इसको जोड़ना है, ये प्रधानस्य प्रवृत्ति, ये प्रधान की प्रवृत्ति है। तथा च उक्तम कुंभवत प्रधानम पुरुषार्थम कृत्वा निवर्तते, तो इसलिए प्रकृति के किससे तुलना की, कुंभवत घड़े की तरह, जैसे घड़ा अपने को पानी से भरता है फिर बहुत लोग उस पानी को पी लेते हैं उनकी सेवा करता है फिर अपने आप को भर लेता है, तो ऐसे ही ये प्रकृति हमारी सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है, और कर ऐसे रही है जैसे कि कोई अपने लिए करता है स्वार्थ की तरह से। तो शेष कल आगे पढ़ेंगे, आज ही विराम दें। ओ शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किस से बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते।
पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते हरि के नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते किससे बैर करेंगे प्यारे विविध रूप धर आते विविध रूप धर आते विविध रूप धर आते ओ श्री गुरुभ्यो नमः।